प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सभी के बीच में राहत भरी खबर यह है कि प्रदेश में रिकवरी दर भी बढ़ रहा है। इसको लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अब तक 5 लाख के करीब कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें 10,385 पॉजिटिव आए और अब 73.24% की दर से ठीक हुए। ठीक होने वालों प्रदेशों में राजस्थान पहले पायदान पर है। राजस्थान में कोरोना नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। देश में राजस्थान हर पैरामीटर पर अव्वल है। राजस्थान में कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 10,385 है। ये हमने जो टेस्ट ज्यादा किए और जितने ज्यादा टेस्ट करेंगे उतने ही पॉजिटिव केसेस सामने आएंगे, और पॉजिटिव केसेस आना कोई चिंता की बात इसलिए नहीं है कि राजस्थान की रिकवरी रेट 73.24% है, जो कंट्री की सबसे ज्यादा है। अगर 10,385 आदमी पॉजिटिव हैं हुए अब तक, तो 7,606 लोगों को रिकवर भी किया है, ठीक होके घर चले गए वो। कुल मिला के जो हमारा डबलिंग का डेज है वो 21 दिन है। हमारा जो मृत्यु का प्रतिशत है वो भी 2.25 है, जो 3-4 राज्यों की मृत्यु दर के बराबर है। बाकी जो अधिकांश राज्य हैं वहाँ की मृत्यु दर तो कहीं ज्यादा है, राष्ट्रीय औसत भी कहीं ज्यादा है। आज प्रति 10 लाख अगर टेस्ट की बात करते हैं तो राष्ट्रीय औसत जो आ रहा है 3,342 है, और प्रति 10 लाख में जो औसत हमारे टेस्ट हो रहे हैं राजस्थान में वो है 6,412। हमारे से 2 राज्य आगे हैं टेस्टिंग में, एक तमिलनाडु और एक दिल्ली। बाकी पूरे देश में 3रे नंबर पर हाईएस्ट टेस्टिंग हमारी हो रही है। अब तक करीब 5 लाख टेस्ट हम कर चुके हैं। अकेले एसएमएस अस्पताल में 1.25 लाख टेस्ट हो चुके हैं। और जिस तरह से राजस्थान में रिकवरी का जो परसेंटेज है, पॉजिटिव केसेस का परसेंटेज भी 2.10% है।